हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब हैप्पी, बहुत खुश हो और उम्मीद करता हूँ कि आपके बाल जो हैं खूबसूरत बने रहें, मजबूत बने रहें, आपकी स्किन चमकती दमकती रहे, शाइनिंग रहे, कि आपके फेस और हेयर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और दिवाली आने वाली है, एडवांस में हैप्पी दिवाली। और आज मैं बात करूँगा दोस्तों मिनोक्सीडिल के बारे में। मिनोक्सीडिल जो होता है हेयर लॉस का एक ड्रग ऑफ चॉइस है, हेयर फॉल सोल्यूशन का। पूरी दुनिया में अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो एक ही सोल्यूशन है, एक ही लोशन है, वो है मिनोक्सीडिल। मिनोक्सीडिल लोशन जो होता है अलग अलग कंसेंट्रेशन में आता है, 2%, 5%, 10%। ये कैसे यूज़ करते हैं मैं बताऊंगा इस वीडियो में, जुड़े रहिए दोस्तों। अगर आपने हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज मिनोक्सीडिल के बारे में, कि मिनोक्सीडिल कैसे काम करता है हेयर पे और मिनोक्सीडिल के क्या यूज़ हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, कैसे यूज़ करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश, हेयर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, आपका दोस्त और होस्ट। इसके साथ साथ मैं हूं ओनर ऑफ सोकल हॉस्पिटल का। हमारे हॉस्पिटल हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड है। हम हेयर ट्रांसप्लांट और स्किन की कंप्लीट ट्रीटमेंट्स, कंप्लीट रेंज आपको प्रोवाइड करते हैं। श्री गंगानगर में हमारी मेन ब्रांच है, इसके साथ साथ जयपुर में, बठिंडा में, बीकानेर में भी हमारी ब्रांचेज हैं, दिल्ली में भी हमारी ब्रांच दिवाली के बाद ओपन होने वाली है। आज मैं बात करने वाला हूँ मिनोक्सीडिल लोशन की। मिनोक्सीडिल जब भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम आती है, आप नेट पे सर्च करते हो या फिर डॉक्टर के पास जाते हो, तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन या सबसे पहली जो मेडिसिन आपके सामने आती है या फिर सुनने में आपके सामने आती है, वो होता है मिनोक्सीडिल। मिनोक्सीडिल है लिक्विड, लिक्विड होता है। कई कंपनियाँ फोम झाग के रूप में भी बनाती है मिनोक्सीडिल। दोस्तों मिनोक्सीडिल अलग अलग कंसनट्रेशन में आती है, 2%, 5%, 10%। मिनोक्सीडिल में अल्कोहल की मात्रा भी होती है दोस्तों। मिनोक्सीडिल एक ब्लड सप्लाई को कंस्ट्रिक्ट करने वाला, उसको ब्लड सप्लाई को संकुचित करने वाला और संकुचित और विस्फारित करने वाला एक पदार्थ है दोस्तों। अगर मिनोक्सीडिल को जब मैं यूज़ कैसे करता हूँ बता दूँ, कि जब हम स्कैल्प में लगाते हैं तो ब्लड सप्लाई को संकुचित करता है, विस्फारित करता है। संकुचित ब्लड सप्लाई को ऐसे करता है ये दोस्तों, संकुचित करता है। जब ब्लड स्कैल्प की ब्लड वेसल्स ऐसे संकुचित विस्फारित होती है, तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई ऑटोमेटिक बढ़ जाती है दोस्तों। ब्लड सप्लाई बढ़ने से वहाँ पे जो हेयर्स की जो हेयर जो सप्लाई हो रही है, ब्लड सप्लाई हो रही है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। न्यूट्रिशन की सप्लाई बढ़ जाती है जिस दोस्तों, ब्लड सप्लाई बढ़ जाने से हेयर ग्रोथ जो होती है वो बढ़ जाती है, हेयर फॉल जो हो रहा होता है वो कम हो जाता है। एक्चुअल में हेयर फॉल होने का सबसे मेन रीज़न यही होता है कि आपके बालों की जड़ों में ब्लड सप्लाई बंद हो जाए, या फिर ब्लड सप्लाई कम हो जाए, या फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाए। तो मिनोक्सीडिल का काम है कि वो आपकी स्कैल्प में जो जड़ हैं, हेयर फॉलिकल है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करती है, वहाँ पे न्यूट्रिशन को जल्दी से पहुँचाती है, ब्लड वेसल्स को वो कंस्ट्रिक्ट करती है और सिकोड़ती है। तो ये तो होता है इसका फंक्शन, ऐसे वो काम करती है। अब किन पेशेंट्स में यूज़ करना चाहिए दोस्तों मिनोक्सीडिल, बिना सोचे समझे, बिना डॉक्टर के एडवाइस के यूज़ नहीं करना चाहिए। मिनोक्सीडिल एक केमिकल है। मिनोक्सीडिल से स्कैल्प में इचिंग हो सकती है, ड्राई रेडनेस हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, या फिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो है सीवियर हेयर लॉस। अगर किसी की जड़ें कमज़ोर हैं और वहाँ पे ब्लड सप्लाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, फंक्शन ये जब फास्ट हो जाता है, तो आप देख रहे हो कि जो हेयर फॉल होता है बहुत सीवियरली होने लग जाता है। मिनोक्सीडिल जब आप लेके आते हो तो उसके बॉक्स में ऑलरेडी लिखा होता है ये बात, कि इसके यूज़ से आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं। तो दोस्तों बिना डॉक्टर के एडवाइस के मिनोक्सीडिल यूज़ नहीं करना चाहिए। फीमेल्स में जनरली 2% मिनोक्सीडिल यूज़ किया जाता है, मेल में 5%। कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि मिनोक्सीडिल ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा जल्दी बाल आ जाएंगे, ज़्यादा जल्दी हेयर ग्रोथ हो जाएगी, या फिर हेयर फॉल जल्दी रुक जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, 1 ml इनफ रहता है। उसके अंदर बाकायदा ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर में बाकायदा निशान लगा होता है, और उसके साथ साथ उसमें लिखा भी होता है कि आपको 1 ml सुबह और 1 ml शाम को ड्राई स्कैल्प पे लगाने हैं। दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि सुबह ऑयल लगा लेते हैं नहाने के बाद, और शाम को ऑयल के ऊपर ही मिनोक्सीडिल लगा लेंगे। तो बता दूं कि ऑयल के ऊपर मिनोक्सीडिल का कोई यूज़ नहीं है दोस्तों, ना वो ऑयल काम करेगा ना वो मिनोक्सीडिल काम करेगा। लगाने का तरीका है, आपके स्कैल्प पे ऑयल नहीं होना चाहिए। आप पहले स्कैल्प को अच्छे से वॉश करो शैम्पू से, उसके बाद आपके स्कैल्प को अच्छे से ड्राई करो, गीला स्कैल्प नहीं होना चाहिए।
स्कैल्प ड्राई होने के बाद 1 ml लेके आपने हल्का हल्का ड्रॉप ड्रॉप करना है और फिंगर टिप से हल्के हल्के 1-2 मिनट मसाज करनी है, वो अंदर ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब हो जाएगा। मिनोक्सिडिल के यूजेस हमने देखे, हेयर लॉस भी हो जाता है, हेयर लॉस में अच्छा रिजल्ट्स भी हैं मिनोक्सिडिल के। पीआरपी के बाद भी मिनोक्सिडिल का बहुत अच्छा रिजल्ट है, ट्रांसप्लांट के बाद मिनोक्सिडिल का यूज़ करते हैं तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन दोस्तों बिना डॉक्टर के एडवाइस के फिर मैं बता रहा हूँ कि यूज़ मत करना, मिनोक्सिडिल के बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आइज़ पे मिनोक्सिडिल साइड इफ़ेक्ट कर सकता है, स्किन पे साइड इफ़ेक्ट करता है, रशेस कर सकता है, इचिंग कर देता है, एलर्जी कर देता है, रेडनेस करता है, फोलिकुलाइटिस भी करता है, तो बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं दोस्तों इन साइड। इसलिए डॉक्टर भी आपके स्कैल्प को चेक करने के बाद मिनोक्सिडिल एडवाइस करता है। हर किसी के लिए मिनोक्सिडिल सूटेबल नहीं होता, हर कोई मिनोक्सिडिल नहीं। फीमेल्स के लिए मैं बोल दूँ कि बिना स्कैल्प चेकअप आप मिनोक्सिडिल यूज़ बिल्कुल ना करें। कुछ लोग घर पर मिनोक्सिडिल प्लस डर्मा रोलर का यूज़ करते हैं, डर्मा रोल की वीडियोस मैंने डाली हुई है लिंक में, आप देख सकते हो। पहली बात आप यूज़ गलत तरीके से कर रहे हो, दूसरी बात घर पे डर्मा रोलर यूज़ नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तीसरी बात मिनोक्सिडिल का ऐसे यूज़ करना अंदर इंजेक्ट करने से वो ज़्यादा असर नहीं करने वाला। कई लोग सोचते हैं कि मिनोक्सिडिल अंदर इंजेक्ट हो जाएगी तो ज़्यादा असर करेगा। मिनोक्सिडिल इतना विस्कस है, उसकी विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा होती है और उसकी जो हमारी जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है, स्कैल्प में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, तो हमें इंजेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनोक्सिडिल बिल्कुल भी इंजेक्टेबल नहीं है, कुछ लोग इंजेक्ट करते हैं वो गलत है, आपको साइड इफ़ेक्ट इन फ्यूचर भुगतने पड़ सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि मिनोक्सिडिल यूज़ करने के बाद हेयर फॉल रुक जाता है, लेकिन जैसे ही मिनोक्सिडिल का यूज़ वो छोड़ते हैं तो उनका सीवियर हेयर लॉस होता है। इसीलिए मैं बोलता हूं दोस्तों कि बिना डॉक्टर के एडवाइस के, बिना किसी से जाने आप मिनोक्सिडिल का यूज़ बिल्कुल ना करें, ये आपके बालों के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है। थैंक यू सो मच। और कुछ जानना चाहते हो, मेरे से मिलना चाहते हो, तो मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर, मेरे से डायरेक्ट एडवाइस ले सकते हो। मेरा नंबर है 8955224304, एक बार फिर रिपीट कर दूं, 8955224304। हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.sokhalhospital.in, या फिर आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हो सोखल हॉस्पिटल के नाम से, सोखल हेयर एंड स्किन केयर के नाम से हमारा पेज है दोस्तों। इसके साथ साथ बहुत से वीडियोज़ हैं, उसके लिंक मैंने इसके वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में डाली हुई, आप देख सकते हो। कुछ भी आपको चाहिए हो हेयर लॉस के बारे में, स्किन के बारे में, ब्यूटी के बारे में, या फिर हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, आप डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हो, हम आपको देंगे सॉल्यूशन। कुछ अफवाहें आपने सुनी हो, अफवाहों के बारे में मेरे से पूछ सकते हो, हम आपको देंगे सॉल्यूशन। और इस वीडियो की एक्सपर्ट एडवाइस यही है कि मिनोक्सिडिल को आप यूज़ घर पे बिल्कुल मत कीजिए। घर पे यूज़ कर सकते हैं लेकिन बिना डॉक्टर के एडवाइस के यूज़ बिल्कुल मत कीजिए। थैंक यू सो मच।